मारिनो इटली के अंदर है, इसके चारों तरफ यानी इटली है। ये सामने जी बस है, ये मैंने दो टिकट ली 5। सैन मारिनो जाने के लिए आपको पहले रिमिनी आना पड़ता है, और रिमिनी आने के लिए आप इटली के शहर बलोना से ट्रेन भी ले सकते हैं और बस भी ले सकते हैं। सर जी हद हो गया, सैन मारिनो जाने की बजाय मैं हूँ इस वक्त नोवा फिल्ट्रिया। ओके अरवी, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, बाय बाय। नो प्रॉब्लम। अब मैं नोवा फिल्ट्रिया से दोबारा जा रहा हूँ सैन मारिनो, और वेलकम टू सैन मारिनो। जो अब मज़ा आ रहा है ना सैन मारिनो में, अगर इतनी प्रॉब्लम के बाद ना आते तो शायद इतना मज़ा ना आता। आज मौसम भी काफ़ी प्लेजेंट है। हवा चल रही है लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है ना चिलिंग नहीं है। जी सिटी के अंदर ये छोटी छोटी कार ज़रूर चलती हैं। यहाँ पे थे सैन मारिनो के पुराने कुछ रूम्स, इस जगह पे कुछ पब्लिक गैदरिंग्स वगैरह भी होती थी, और इसका नाम था कावा पैलेस टेरियारी, मुझे याद है। ओपन एंड यूज इन द लास्ट 20 ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द स्टोन नीडेड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रिपब्लिक पैलेस। यहाँ से स्टोन वगैरह लिया गया था पब्लिक पैलेस के लिए। एक स्टाफ है मैग्योरी आई थिंक उसका नाम है, वहाँ से ये भी आती है इसकी फनुकुलर। आप फनुकुलर के ऊपर भी आ सकते हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरफ से उसका व्यू। यहाँ से और ये प्लेस है जहाँ से सैन मारिनो का बेस्ट व्यू आता है, इस प्लेस से। इसको मैं अपने मैप में भी लहदा से मेंशन करूँगा। और गैसी और जिस चीज़ से हम बचना चाह रहे थे बहरहाल वो तो नहीं हो सकी कि रश यहाँ पे हमें बेशुमार अब नज़र आने लगा है। हेलो, टावर इधर हैं, पहले हम टावर की तरफ बाद में जाएंगे अगर टाइम हुआ। प्लाजो पब्लिको फनेला भी इधर है, और हम पहले जाते हैं पार्लियामेंट या इनका जो सिटी स्क्वायर है उस तरफ। ये आती है जैसे सिटी के अंदर, और ये है प्लाजो पब्लिको। पहले हम कुछ अभी मज़ीद नीचे की तरफ उतरते हैं, दोबारा प्लाजो पब्लिको और कास्टल की तरफ। और ये जो गाड़ियां हैं ना, यहाँ पे रैली होनी है एक, उसको रिवाइवल करने के लिए ये वाला जो है ना, जो गाड़ियां उसके अंदर क्लासिक गाड़ियां हिस्सा लेंगे। टूरिस्ट ऑफिस है सैन मारिनो,
एंड यहाँ से हम अपने पासपोर्ट को स्टैम्प करवाएंगे। सो ये स्टैम्प पहले लगाएंगे उसके ऊपर और एंड वेलकम टू सैन मारिनो। और ये मैं ऑफिशियली एंटर हो गया सैन मारिनो में। ओके सर, हाउ मच? 5 यूरोस। और 5 यूरो इसकी फीस है सर। थैंक्स अ लॉट। यहाँ पे पेल को सीधा आपको यहाँ पे टूरिस्ट का लगाते हैं और स्टैम्प एंड कॉइन म्यूजियम भी ये लिखा हुआ है साथ। आप यहाँ पे 5 यूरो देंगे, वो एक टिकट लगा के उसके ऊपर आपको स्टैम्प कर देंगे और आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प लग जाएगी सैन मारिनो की। इस तरफ कैसल की तरफ छोटा सा सिटी है लेकिन म्यूजियमों की भरमार है। मतलब ये देखें, टिटानस म्यूजियम किससे रेलेवेंट है, नहीं आइडिया। टिटानस म्यूजियम के साथ ही म्यूजियम ऑफ क्यूरियोसिटीज और म्यूजियम ऑफ मेडिवल क्रिमिनोलॉजी एंड टॉर्चर भी शामिल हैं। तो वो इसके करीब करीब ही हैं सारे। और हमारा नेक्स्ट स्टॉप है प्राइमा टावर या ग्वेटा टावर भी इसको कहते हैं। और यहाँ एक लंबी लाइन लगी हुई है प्राइमा टावर में जाने के लिए, जिसको ग्वेटा टावर भी बोलते हैं और ला रोका भी इसका नाम है। तो इस दरवाजे को देखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट। ग्वेटा से सुसेता, ये मेरे माइक को आज बार बार मसला हो जाता है, काफ़ी जगह पे ये पहले भी बंद हो गया। ये था हमारे पीछे ग्वेटा टावर, इसको प्राइमा टावर भी बोलते हैं, पहला टावर है। और यहाँ से व्यू पॉइंट है, सेकंड टोरे, थर्ड टोरे इस तरफ है। ये मेरे ख्याल से सैन मारिनो कैसल के अंदर सबसे खूबसूरत व्यू है। सामने हमें नज़र आ रहा है सेस्ता टावर और जिस रास्ते पे मैं जाने लगा हूँ ये है विचिस पाथ, या इसको विचिस स्टेप्स भी बोलते हैं। ये बहुत खूबसूरत स्टेप्स हैं थ्रू आउट द लाइन। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बता रहा था ना कि सैन मारिनो सबसे ओल्डेस्ट रिपब्लिक अज्यूम की जाती है। 301 AD में इसने अपना पहला आइन बनाया था और जमहूरियत डिक्लेयर की थी और उसने कहा था कि हम आज़ाद रहेंगे। और 1900+ साल गुजरने के बाद ये अभी तक आज़ाद हैं। बिल्कुल छोटा सा है कंट्री, 8 किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन ये जो है ना इसने अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखी है। ग्रेट प्लेस। एक दिन के लिए आप यहाँ पे बड़ी इजीली आ सकते हैं। वो था ग्वेटा टावर और ग्वेटा टावर से ये हम स्टेप्स करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। ये मेरे पीछे किधर गया, ग्वेटा 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 ग्वेटा, ये ग्वेटा है और ये इसके अंदर ये अंदर ही कैफे वगैरह। और यहाँ से भी के ऊपर भी रास्ता जाता है, यहाँ से शायद व्यू ससेटा टावर का व्यू कुछ हमें बेहतर मिलेगा। और तीसरा मोंटाना है आई थिंक उसका नाम, लेकिन उसका मतलब यही बनता है थर्ड। यहाँ पे नहीं है, ये बंद है। यहाँ से इस तरफ का व्यू कोई होगा। यस, व्यू
व्यू बहुत शानदार है यहाँ पे बैठने के लिए। हर जगह पे हर थोड़े से फासले के बाद कोई एक आध व्यू आ जाता है। ये ससेटा टावर और मेरा ख्याल है ये क्लोज है, लेकिन अगर क्लोज ना भी हो तो हमने बाहर से इसको देखना है। एक्चुअली ये टिकट लिखी हुई थी शायद इसके ऊपर जो टावर पे चढ़ने के लिहाज से वो है, वरना आप एक टावर से दूसरे टावर में इजीली जा सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं। व्यू पॉइंट भी है यहाँ से, बहुत शानदार व्यू है। ओवरऑल वैसे जी तकरीबन 1.5 घंटे में एक सिरे से दूसरे सिरे पे आ गए हैं। अभी सिटी सेंटर की कुछ अट्रैक्शंस हैं जो मेरा ख्याल है कि 1 घंटा हमारे पास है उसमें हम देख लेंगे, लेकिन ये बहुत फन फील्ड 1.5 आवर था या टोटल 2.5 आवर्स बनेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। और अगर आपने जस्ट इसको देखना है तो मेरे ख्याल से सैन मेरिनो के अंदर 3 से 4 घंटे आपके लिए काफ़ी हैं, लेकिन अगर आपने इसको एंजॉय करना है बार बार जिस तरह मुख्तलिफ जगह रिलैक्स होने वाली आ रही हैं तो मेरा ख्याल है फिर आप अर्ली मॉर्निंग आएँ और शाम तक यहाँ पर स्टे करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ये ससेटा टावर के बारे में आपको कुछ बता दूं कि ये जो यहाँ की हाईएस्ट पीक है ना माउंट पिटानो 756 मीटर है इसकी हाइट, उसके ऊपर वाकिया है और इसके अंदर एक जगह पे आर्मर्स एंड वीपन्स म्यूज़ियम भी है इसके अंदर। अच्छा, इस जगह से गोएटा टावर का सबसे बेस्ट व्यू नज़र आता है कि गोएटा टावर में थोड़ा सा सिर्फ हो गया वहाँ पे, तो ये इसमें मुकम्मल फॉल भी नज़र आती है, जो लोग आ रहे हैं वो भी है, विच स्टेप्स के ऊपर आपको लोग नज़र आ रहे हैं। विच स्टेप है गोएटा से ससेटा टावर के दरमियान में कुछ ये सीढ़ियाँ हैं बड़ी ख़तरनाक सी, तो उनको विच स्टेप्स कहा जाता था। ये था विचिस पाथ जिसके ऊपर मैं आपको दोबारा दे के आया हूँ। इस तरफ से ये ऊपर जाते हैं जहाँ पे मुझे पैनोरामिको का सीन नज़र आ रहा था। अच्छा, एक थोड़ी सी मुझे मैंने कहीं पे पढ़ा था ना फ्यूनिकुलर के साथ बेस्ट सीन है, लेकिन मेरा ख्याल है सैन मेरिनो के बेस्ट सीन जो है ना जैसे इससे ऊपर जाएं गोएटा ससेटा और ये वाला पैनोरामिक, यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट व्यू इसके नज़र आते हैं। हेलो, हाय हाय जी। एक बेसिलिका है एक यहाँ पे, उसको हम देखते हैं और फिर किसी जगह पे बैठ के बाकी का टाइम रिलैक्स करते हैं या कोई और चीज़ ज़हन में आई। बेसिलिका डेल सांटो और प्लाजो पब्लिको इस तरफ है। वो जी
ही आ गया सामने, बेसिलिका। यस, एक आइकॉनिक बिल्डिंग है सैन मैरिनो में, मैंने जितनी देखी है पार्लियामेंट बिल्डिंग के अलावा, तो यहाँ का चक्कर बनता था। जितने भी गाइडेड टूर हैं उन्होंने भी यहाँ पे बेसिलिका कहना होता है। और मैं आपको भी एक चीज़ बता दूं कि बसें यहाँ पर रेगुलर नहीं जाती, घंटे बाद, दो घंटे बाद, इस तरह का कोई टाइम होता है। तो जब आपको दो घंटे के बाद अगर कहीं पे जाना पड़ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरा, वहाँ पे आपको पहले पहुँचना पड़ता है, ये नहीं कि टिकट आपने ले ली तो आपको ले के ही जाएंगे, नहीं, रश होगा, जो पहले बैठ जाएंगे वो बैठ जाएंगे। चले जी, बाय सैन मारिनो। हमने रिमिनी की बस, मेरा ख्याल है कि ये जो नीचे नज़र आ रही है इनमें से ही कोई होगी, पिज़ाले, अगला भूल गया, कालसिनी था आई थिंक, पिज़ाले कालसिनी, वहाँ तक हम जाते हैं और टाइम का पता करते हैं क्या है बस का टाइम। मेरा ख्याल है कि अभी कुछ टाइम तो है, लेकिन इसकी कदर शायद इस वजह से बढ़ गई कि टाइम हमारे पास कम था। मैं यहाँ पे भी टाइम स्पेंड करना चाह रहा था और मैंने जितना टाइम रखा था वो भी काफ़ी था। बस स्टॉप, बस स्टॉप फ्रॉम हियर, थैंक यू। अच्छा जी, तो ये सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही हैं। अच्छा, वो जो डेढ़ घंटा ज़ाया हो गया ना नोवा फिल्टेरिया की तरफ, उसने हमारा टाइम काफ़ी ख़राब कर दिया। चलें, मैं अपनी बस की तरफ जा रहा हूँ, और अगर कोई और चीज़ हुई तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा, वरना बाय बाय फ्रॉम सैन मैरिनो कालसिनी। तो मुझे पता है, और ये रिमिनी की तरफ जाता है, और यहाँ से ये इस तरफ सिटी है, तो इसका मतलब थोड़ा सा आपने नीचे उतर। हाँ जी, वेलकम टू रिमिनी अगेन। अब मैं हॉस्टल जा रहा हूँ अपने होटल, अपना सामान कलेक्ट करने, इसलिए मैं रिमिनी की आपको सिर्फ दो चीज़ें दिखाऊँगा रास्ते में जाते हुए। एक तो है रिमिनी,
सिटी सेंटर, इसके अंदर से मैं गुजरूंगा, और दूसरे है रिमिनी बीच। उसके बाद हम फाइनली पहुंचेंगे ट्रेन स्टेशन और वहां से ट्रेन लेंगे फ्लोरेंस के लिए।